सुप्रभात। और आज जो है बहुत जल्दी हो सको झांगा मूसा उसके बाल कैसे हुआ, सो के उठा के सिर्फ गाड़ी में बिठाया है। और हमारी नायरा तो स्टिल उसकी तो अभी आधी रात ही है। और आज जो है अभी टाइम जो हुआ है 7:30 ही हुआ है, हमारे लिए तो बहुत जल्दी है। हम जहाँ 9 बजे उठते थे, आज पहली बार देखा होगा कि 7:30 बजे का टाइम भी होता है। सब फाइनल रुके हैं यार केसर रेस्टोरेंट में। केसर रेस्टोरेंट में मन कर रहा था चाय पीने का, तो हमने अभी चाय ऑर्डर करी है कि आप हमें चाय ला के दो। और फिलहाल क्योंकि यहाँ व्यू अल्टीमेट था यार, व्यू देखो यार, मतलब सामने सूरज निकल रहा है। हमने सोचा कि एक बार अच्छी तरीके से इसको रिलैक्स होकर देख के जाएँ यार, मतलब नहीं मिलता ऐसा। बट ड्राइव करते हुए तो फिर क्या है कि आपका ध्यान हमेशा ड्राइविंग में ही रहता है, तो आप इन चीज़ों को, इन नज़ारों को मिस कर देते हैं। तो अरे रंग रसिया रेस्टोरेंट फास्ट फूड, ये कहाँ है रंग रसिया भाई, कहाँ है रंग रसिया, ओ तेरी कहाँ अंदर बना रखा है। अरे भाई ये कहाँ, अबे तेरी पेंट गिर गई, अबे पेंट गिर गई, अबे अभी हम ऑलमोस्ट एंटर हो गए हैं स्वर्ण नगरी आगमन पर। हार्दिक स्वागत नगर विकास न्यास जैसलमेर, गाड़ी यहाँ लगा दी है और अभी हम रुके हैं। नायरा को चाहिए गर्म पानी, तो गर्म पानी का जुगाड़ है हमारे पास। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कैटल नहीं थी तो हम ये सिलेंडर लेके आए थे, तो पोर्टेबल पानी इसके लिए गर्म हो रहा है, हम नायरा को देंगे गर्म गर्म पानी। तो हम आए हैं अभी जैसलमेर वार म्यूजियम में। और क्या है तो ये सारे यहाँ पे ना देखिए, मतलब सारा जो लॉन्जी वाला और टैंक्स एंड ऑल्स, सैल्यूट भारत माता की जय। यस आओ। हाँ यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी टैंक्स एंड ऑल हैं जो 1971 में पाकिस्तान को हराया था, तो जितने भी टैंक्स वगैरह हैं देखो ये सारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड हैं सारे। ऊपर साइन देख रहे होगे, ये भी पाकिस्तान का है। वो छोटी सी क्या ट्रॉवली डिंकी क्या है इनकी, वो भी पाकिस्तान का है। वो लॉन्चर, वो ट्रक्स, खैर ये फाइटर प्लेन तो इंडिया का ही है लग रहा है मुझे। हाँ ये तो इंडिया का ही है। वाह यार ये देखो, वाह M4 शर्मन टैंक, वाह देश। ये है टैंक 55 और ये टैंक अभी भी सर्विस में है। और ये जो है आप देखो, सबसे पहले इट हैज सीन एक्शन एट फाजिल्का इस्लामगढ़ इन द जैसलमेर सेक्टर लॉन्जीवाला साधेवाला एरिया खिंसर साखिरेवाला खू ड्यूरिंग 1971 इंडो AK। वाह ये इंडियन है, दिस इज नॉट पाकिस्तानी, दिस इज इंडियन है ना यार। देखा तू बेटा, तू तोप है, सबसे बड़ी तोप तो तू है ना, है ना, ये सही है, फाइटर जेट है ये। ले चले एक खेल लेना बेटा है। वाह this is APC Topaz, which is basically an ये basically repair team vehicle था during Infopark War of 1965। और ये जो है ये है, ये कौन सा है, दिस इज टैंक 55, ये वही है सेम आई थिंक 55 वो वाला सेम, वो भी 55 है, ये भी 55 है सेम। और ये ड्राइवर नया, एक सेकंड देखो ड्राइवर, ये जो है हम्बर आर्मर्ड कार है। ये तो बहुत छोटा लग रहा है, मतलब साइज इसका जो है बहुत छोटा, हाँ मतलब छोटा ही है। खैर ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है, टायर बहुत बड़े हैं।
टायर बहुत बड़े हैं, लेकिन वैसे व्हीकल मुझे लगता है छोटा है ये। और ये है आई थिंक ये कोई रडार टाइप लग रहा है जो यूज़ होता होगा कुछ सिग्नलिंग एंड ऑल में। और हाँ एग्जैक्टली जो अस्यूम किया था वही है, क्योंकि लग रहा है कि ये सारे अगर कहीं पे भी वॉर होता है, क्योंकि सिग्नल होते नहीं ऐसी जगह पे, तो प्रॉपर रडार टाइप रहेगा। तो ये रडार है, ये रडार का जो आप इसको पॉज करके इसको भी देख सकते हैं, सारी इसकी हिस्ट्री को आप पढ़ सकते हैं। ओ भाई ये है सबका बाप, ये है सबका बाप, इसके बारे में जरूर पढ़ना यार। इसकी मेरे को तो ये खतरनाक लगी, स्पीड देखो 1124 किलोमीटर प्रति पर आर, लैंडिंग ब्रेक्स, पैराशूट कहाँ से रुकेगा जब इतनी स्पीड होगी। तो डेफिनेटली इसको पॉज करना और इसके बारे में पूरा पढ़ना, और इसकी जो बैटल ऑफ लॉन्जीवाला में क्या क्या इसकी अहमियत रही थी वो आपको यहाँ से पता चल जाएगी। तो इसको भी पढ़ना ताकि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी थी लॉन्जीवाला में ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर इन 1971। हाँ आपको तो पता चल गया होगा, ठाके मार रहे हो हैं, है ना, उड़ाना है आपने, मैं चाहता हूँ आप उड़ाओ। ये भाई ये दोबारा फिर दोबारा ये पाकिस्तान का पकड़ लिया, ये एक और पाकिस्तान आर्मी रिकवरी व्हीकल है ये बेसिकली, जो देखिए अभी पता चलता है कहाँ का ठुका हुआ है ये। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे, एक थिएटर है, आई डोंट नो कि वहाँ पे अलाउड होगा या नहीं होगा वो, तो ये भी तो कोई छोटा रॉकेट लॉन्चर है। तो चलते हैं अभी और देखते हैं वहाँ पर कि क्या कोई मूवी वगैरह किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से हमें हिस्ट्री से रूबरू कराते हैं। तो हम नायरा को लेकर चलते हैं हिस्ट्री से रूबरू कराना। वो खाजा 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 गुठा खाजा, तू पूरा खाजा छोड़ियो मन्ना, है ना। सो दिस इज लॉन्जीवाला हॉल, तो यहाँ पे जितना भी लॉन्जीवाला हॉल है, और ये पर्टिकुलर फुल ग्राउंड एरिया। तो देखते हैं लॉन्जीवाला हॉल में आई थिंक सारे डिटेल्स सब होगा। आओ बर्थ ऑफ अ नेशन, लांस नायक अल्बर्ट एक का परमवीर चक्र, मेजर जनरल शमशेर सिंह महावीर चक्र, मेजर जनरल अनंत विश्वनाथ नाटोर परम विशिष्ट सेवा मेडल महावीर चक्र। ये है बेसिकली इंडियन आर्मी हॉल, और अभी हम जाते हैं इंडियन आर्मी हॉल के अंदर। वाह ये देखो इसका आउटलुक लो, ये है 7524 पैक होवाइजर। स्टेन गन रॉकेट लॉन्चर, ये कितना बड़ा लॉन्चर है यार, वाओ वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूज हुई थी ये। टेरिस से मिली थी ये, वाओ JNK 1993 में ये टेरिस से कैप्चर की गई है। They're all our heroes. Caps, telephone, radar, binoculars. Oh.
जीवन कहने ले देते हैं जब पर तो सारा कारगिल के बारे में बताया गया है कि कैसे कारगिल में सारे जो ऑर्डर्स हैं वो आए थे, कैसे मैसेजेस आते थे। खैर वो आप स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके उसको देख सकते हो, वो वीडियो में पूरा डल जाएगा। अभी यहाँ पे ये है ऑडियो विजुअल गैलरी, अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि 12 मिनट की मूवी होती है, एक मूवी के बाद हमारा नंबर आने वाला है। तब तक हमारी नायरा थोड़ी सी सुस्त आ रही है, उसके बाद ये इंजॉय कर रही है, इसके बाद ये जाएगी मूवी का आनंद लेने, है ना। और रुको आदि, तो ये पूरी मूवी यहाँ पर हम पूरा देखेंगे मूवी। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी कर दिया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हाँ, ताजमहल, ताजमहल। चलो ठीक है, संकट के समय में आपका हाथ कौन थामता है? तो भाई आज गए हैं थक और अभी मन ये हो रहा है कि बस सो जाओ। तो सबसे पहले तो भाई आज के लिए बस इतना ही, अभी बहुत तेज नींद आई है, तो इट्स बेटर टू से गुड नाइट फॉर टुडे।